तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अजमेर की जनता की राय आपको दिखाई थी, लेकिन अब बारी है उन जनप्रतिनिधियों की राय को जानने की जिनको चुन करके मतदाताओं ने संसद या फिर विधानसभाओं में भेजा। और इसी कड़ी में हमने अजमेर से कांग्रेस के सांसद रघु शर्मा से भी बात की। चूंकि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, तो चुनावों को लेकर क्या कहना है सांसद रघु शर्मा का, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। साल 2018 यानी चुनावी साल है, ऐसे के अंदर कांग्रेस के द्वारा भाजपा को हर मुद्दे पे घेरने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजमेर के सांसद रघु शर्मा, बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले किस तरह से चुनावी साल के अंदर, देखिए बात क्या होती है कि जब चुनाव आता है तब हर पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है। कांग्रेस पार्टी ने भी किया था और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। अब आज जब 4.5 साल इस सरकार के हो गए और चुनाव 6-7-8 महीने बाद है, तो ये हम विपक्षी पार्टी में हैं, प्रमुख विपक्षी दल हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि जो वायदे चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से या आम पब्लिक स्पीचेज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विशेषकर प्रधानमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं ने जो देश की जनता से वायदे किए थे, उन वायदों पे ये सरकार कितना खरा उतरी है ये याद दिलाने की जिम्मेदारी तो हमारी। क्या ऐसे वादे हैं जो आम जनता के पूरे नहीं हुए, क्योंकि भाजपा का कहना है कि उन्होंने सारे वादे करीब पूरे किए। देखिए देश की जनता बहुत समझदार है, क्या क्या स्लोगन्स आए थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या ये सरकार में हिम्मत है कि ये महंगाई के मामले में एक तुलनात्मक व्हाइट पेपर जारी कर दे देश की जनता के सामने कि यूपीए सरकार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत क्या थी, पेट्रोल कितने में मिल रहा था, डीजल कितने में मिल रहा था, रसोई गैस का सिलेंडर आम उपभोक्ता को यूपीए सरकार मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार कितने में दे रही थी, और आज जब ये इलेक्शन के मोड पे आ गई है सरकार, आज इनको बताना चाहिए कि यूपीए और हमारे बीच में हमने कितना महंगा बेचा ये, और आम उपभोग की चीजें, क्योंकि इनके खुद के नेता कहते थे कि ये पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ने से देश में महंगाई की मार आम गरीब पर, मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ती है, तो ये महंगाई की मार आज नहीं पड़ रही क्या? 72.26 रुपए लीटर पेट्रोल जब हमने सरकार छोड़ी, और 55.5 रुपए में डीजल, और 350 रुपए में गैस का सिलेंडर, ये कांग्रेस की सरकार जब 2014 में हटी थी, मोदी जी ने जब सरकार संभाली थी तब ये पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें थी। आज डीजल की कीमत 76 रुपए के ऊपर हो गई, पेट्रोल की कीमत 82 रुपए के ऊपर हो गई, और रसोई गैस तो 800 रुपए के पार कर गया। क्या जवाब है जनता के बीच में, ये तो बीजेपी को देना चाहिए। क्या आप इन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे और उनको राहत देने के लिए किस तरह के दावे? हमने एक मांग की है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कि जब सारी चीजें जीएसटी के दायरे में है तो ये पेट्रोलियम पदार्थ क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में है? आप 19.5% टैक्स तो पेट्रोल के ऊपर भारत सरकार ले रही है, 15.5% टैक्स डीजल पे ले रही है, और वैट के जरिए कोई राज्य 24% ले रहा है, कोई राज्य 22% ले रहा है, कोई राज्य 21% ले रहा है, राज्यों को छूट दे रखी है पेट्रोल, उस राज्यों के वेट लेने में भी 9.5% हिस्सा भारत सरकार को मिल रहा है, कितना मारोगे आम आदमी को? ये तर्क संगत जब तक टैक्सेशन नहीं होगा, और वो तभी होगा जब आप जीएसटी का ढिंडोरा पीट रहे हो। वेट की बात कर रहे हैं आप, वेट तो जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त भी हर राज्य में अलग था, मैं जीएसटी उसके बाद आया, और आज भारतीय जनता पार्टी जीएसटी लाने का ढिंडोरा पीट रही है, तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि ये पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ सकते? एक टैक्स की बात जब हम कर रहे हैं तो ये भी एक ही टैक्स के दायरे में आने चाहिए, इसमें 5 तरह के टैक्स क्यों लगा रखे हैं आपने? अगर कांग्रेस कमबैक करती है तो क्या जीएसटी को कंटिन्यू? जब हम मांग कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग कर रहे हैं, ये अपने आप में हमारा कमिटमेंट है देश की जनता से कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थों को लेके आएगी, ये देश की जनता को राहुल गांधी जी ने वायदा किया हुआ है। रघु जी, अक्सर देखा जाता है अगर किसी चीज की कीमतें बढ़ जाती है तो वे कीमतें कम नहीं होती, ऐसे में के अंदर क्या कांग्रेस इनको कम कर पाएगी? देखिए अगर पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है और भी कई कारण है, इनकी वजह से कीमतें ज्यादा बढ़ती है, तो उन कीमतों को जब पेट्रोलियम पदार्थ के दाम कम होते हैं, क्यों हर सरकार ये कहती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के की कीमत के आधार पर हम ये कीमतें तय करते हैं, लेकिन बीजेपी तो यहाँ भी देश की जनता को धोखा देने से बाज नहीं आई। $146 प्रति बैरल कच्चा तेल जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलता था तब हम 72 रुपए में डीजल पेट्रोल दे रहे थे,
और 50.5 रुपए में डीजल दे रहे थे, आज 80 रुपया 80 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब कीमत आई थी जून महीने में 2018 में, तब इस सरकार ने कीमतें क्यों कम नहीं की? 2 रुपए की टैक्स में छूट देके और ये वावाई लूटने निकले थे उसमें भी रोल बैक कर लिया, आज वो भी छूट नहीं है, तो ये 82 क्यों पहुंच गया? पेट्रोल का दाम 76 क्यों पहुंच गया? डीजल का दाम? ये जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा, क्या मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच इस बार चुनाव के अंदर जाएंगे? देखिए, जो जो कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए, हमारे पे कीचड़ उछालने के लिए पॉपुलर स्लोगन, जो देश की जनता इनके झांसे में आ गई थी 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था, विदेशों से काला धन, मैं आपको क्लियर कट बात कर रहा हूँ, नोटबंदी की बात नहीं की थी उन्होंने, उन्होंने कहा था कि विदेशों में करोड़ों रुपया जमा है देश के चंद लोगों का, वो मैं वापस लेके आऊंगा, और इतना रुपया है वो एक एक व्यक्ति को अगर बांटा जाए तो 15-15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में, क्योंकि ये सब चीज रिकॉर्डेड स्पीचेस है हमारे पास है। हम तो वही स्पीच चलाएंगे जो मोदी जी ने 2014 में देश के अलग अलग हिस्सों में जाके भाषण दिया था वोट लेने के लिए, अगर वही स्पीच चला दो आज तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिदिन रोजगार, प्रति साल, तो 5 साल होने वाले हैं, 10 करोड़ लोगों को रोजगार कहां दिया? मुझे हंसी आ रही थी जिस दिन प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे कि रोजगार देने के मामले में, कि किसी ने बस खरीदी तो एक तो बस मालिक को रोजगार मिल गया, एक उसमें जो कंडक्टर लगा उसको रोजगार मिल गया, एक उस पे जो ड्राइवर लगा उसको रोजगार मिल गया। देश में 5 साल में जितनी बसें खरीदी गई उसका आंकड़ा दे दिया उन्होंने, जितने ट्रक खरीदे गए उसका आंकड़ा दे दिया, जितने टेम्पो खरीदे गए उसका आंकड़ा दे दिया। क्या ये रोजगार है? ये रोजगार तो जब नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए थे ना तब से इस देश में मिल रहा है, और उसको भी जोड़ने के बाद उनका फिगर दुर्भाग्य से 1 करोड़ तक ही पहुंचा, सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जोड़ लिया उन्होंने, उसके बाद भी रोजगार का आंकड़ा 1 करोड़ पहुंचा। चलो हम उसको भी मान लेते हैं कि भाई कोई बस खरीदता है तो 2 लोगों को रोजगार मिल गया, 3 को मिल गया, अगर उसको भी जोड़ लें तो भी 1 करोड़ है, बाकी 9 करोड़ कहाँ है? यहाँ वसुंधरा जी घूम रही है गौरव यात्रा लेके, 15 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपका वादा है, आपके घोषणा पत्र में भी है, आपके पब्लिक स्पीच में भी आपने कहा है वो। महंगाई के बारे में इन्होंने बहुत हल्ला मचाया, महंगाई आप एक एक चीज की देख लो, आम उपभोग की चीजें, सब्जियां हो, दाल, तेल, चीनी, चावल, कोई भी खुदरा मूल्य आप देखो, यूपीए से एनडीए की तुलना करो, मनमोहन सिंह जी की सरकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तुलना करो, सातवें आसमान पे महंगाई है। सीएम ने वसुंधरा ने अभी वर्तमान में गौरव यात्रा निकाली तो कांग्रेस ने भी यात्रा शुरू कर दी, क्यों? सीएम को कोई नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि पहले जो मुद्दे हैं उन पे जवाब देना पड़ेगा उनको। 3,500 पुलिस वालों को उनको एस्कॉर्ट करके चल रहे, किससे खतरा है उनको? नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ेगी थी इस यात्रा को निकालने की? कांग्रेस तो जाएगी जनता के बीच में, हम इनको एक्सपोज करेंगे, हम विपक्ष में हैं, हम जो सत्ता में जो लोग 5 साल रह चुके हैं और सत्ता में आने से पहले इन्होंने जो धोखा दिया, जो वायदे किए लोगों के, और जिन वायदों पे खरा नहीं उतरे, आज उनको एक्सपोज कौन करेगा? कांग्रेस ही करेगी, कौन करेगा? 5 साल के कार्यकाल में भाजपा ने जितने काम, जितने दावे, जितने वादे किए हैं, उन सबको एक्सपोज करने के लिए कांग्रेस के द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है, यह यात्रा कहीं ना कहीं आम जनता के हितों में निकाली जा रही है, यह कहना है रघु शर्मा का। संजय गर्ग, इंडिया न्यूज, अजमेर। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।